Hi, welcome back to my channel Tutor and Mentor. मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अगेन एक अगेन नई वीडियो में जिसका नाम है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस. हम लोग इन जनरल लाइफ इन जनरल टॉपिक्स हम लोग नंबर्स को यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग करने के लिए और उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज कोड बेसिकली और उन कोड्स को हम लोग चार फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली विच आर डेसिमल नंबर्स बाइनरी नंबर्स Octal numbers and hexadecimal numbers. Now, what is the difference between these numbers? What is the difference in decimal numbers in between binary numbers and octal numbers and hexadecimal numbers? एक ही difference है, that is the difference of base. देखिए हम जब किसी भी code को तैयार करते हैं programming के लिए तो हम लोग उस code के अंदर numbers और alphabets या फिर elements कितने use कर रहे हैं वो decide करते हैं. That if we want to generate a code, we first decide the elements. कि भाई ठीक है जीरो और वन को इस्तेमाल करके एक कोड बनाना है या फिर जीरो वन टू थ्री फोर को याना जीरो वन टू और थ्री फोर ये पांच नंबर हम इस्तेमाल करके कोड जनरेट करेंगे. इस तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कोड को जनरेट करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर हम कितने नंबर या फिर अल्फाबेट्स यूज करेंगे. तो इन सबकी मैं आपको आज बुनियाद बेसिक समझाऊंगा कि इसमें कितने नंबर होते हैं और आने वाली वीडियोस में कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स टू इनटू दीस थ्री और बाइनरी नंबर्स इनटू दीस थ्री और ऑक्टल इनटू दीस थ्री एंड सो ऑन. हम ये चीजें भी सीखेंगे आने वाली वीडियोस में. खैर अभी मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स. देखिए डेसिमल नंबर्स आर जस्ट नथिंग. हम लोगों को पता है कि मैथ्स में अगर हम बेसिक नंबर्स की बात करें सिंगल बेसिक नंबर्स की बात करें तो वो होते हैं 10. कौन कौन से बेसिकली दे आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the 10 numbers which we generally use in mathematics. जो कि 10 basic numbers हैं जिससे आने वाले numbers 10,000, 10 करोड़, 10 लाख, those all numbers 10 million, billion and trillion, those all numbers are created from these 10 decimals. बेसिकली सो डेसिमल नंबर्स हैज अ बेस 10. ओके सो वी कैन फॉर्म अ कोड यूजिंग दीज 10 नंबर्स एंड दैट विल बी कॉल्ड अ डेसिमल नंबर. नाउ वी हैव बाइनरी नंबर्स. इट हैज ओनली टू नंबर्स. अगर हम किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें देन वी आर गोइंग टू यूज जस्ट टू नंबर्स विच आर 0 एंड 1. सो इट हैज अ बेस 2 basically. It will only use 2 numbers 0 and 1. After that we get octal numbers which is from octa, comes from octa and octa. We know that octa means 8. Okay? So octal numbers will get 8 numbers which are from 0 to 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are 8 numbers. So we can say it has base 8 basically. Okay? And then we have hexadecimal numbers which hexa means 16 basically. So hexadecimal means 10 plus 6. How? I am going to explain it. See, it can use numbers from 0 to 9 basically. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, no, not 10 basically. Okay. Now, if we consider after 9, it will be 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. But again, the confusion was this 1 will be going to mix up with 12 and this 2 will be going to mix up with 13 or 12 or we can say these numbers are going to be mixed up, messed up. That is why we use alphabets instead of these numbers which are A for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14, F for 15 and these were 10 and these are 6.
So it has base 16. So this was a general explanation of these numbers which we use in computer science. Decimal numbers, binary numbers, octal numbers and hexadecimal numbers. In the next lecture, आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इनको आपस में. So we can convert decimal numbers into binary or octal or into hexa और इसी तरीके से हम इन सब नंबर्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू दिस थ्री, देन बाइनरी इनटू अदर थ्री, देन ऑक्टल इनटू अदर थ्री एंड सो ऑन. मैं चाहता हूं हमारा चैनल अभी नया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिव्यूज दें ताकि हम लोग आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर कंटेंट को अपलोड कर सकें. और आप लोगों के वो टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आते आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों की एजुकेशन में इजाफा हो और हमारे जो है वो कंटेंट बेहतर से बेहतर हो सके. थैंक यू. योर अहमद खान साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.